तो गाइज़ आपने फेसबुक पर अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे पोस्ट आते हैं जिनको कहा जाता है कि अगर आप इसे शेयर करोगे वो पोस्ट ऐसे होते हैं कि कोई बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई है या फिर कोई हॉस्पिटल में, आप उसे शेयर करोगे तो उसे 1 रुपये मिलेंगे, उसे आपकी तरफ से 1 रुपये मिलेंगे जो कि फेसबुक देगा। तो आप लोग सोचते होगे कि यार क्या ये सही है, और आप देखते होगे और आपको इमोशनल अत्याचार जैसे बोलते हैं इमोशनल इफेक्ट पड़ता होगा और आप करते हो चलो यार एक शेयर करने में क्या जा रहा है, शेयर कर देते हैं, शेयर का बटन दबाते होगे फेसबुक पर एंड शेयर कर देते होगे। व्हाट्सएप पे भी कई सारे ऐसे पोस्ट आते रहते हैं। तो अभी तो हम लोग फेसबुक की बात करें तो क्या ये सही है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और आप लोग जानना चाहते होगे कि क्या सच में फेसबुक वो पैसे देता है शेयर करने के। तो चलो यार आज इसके बारे में जानते हैं, आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करते हैं, बिकॉज बहुत लोगों की शिकायतें आ रही थी कि क्या ये सही है, इसके बारे में कुछ वीडियो बनाओ। मैंने कहा चलो बनाते हैं इस वीडियो को और आप लोग को बताते हैं कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई। तो चलो यार जानते हैं इस वीडियो के बारे में। तो हे गाइस, आई एम विश्वा एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल बेस ब्लॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक के वैसे पोस्ट के बारे में जिनको कहा जाता है कि शेयर करने पे फेसबुक उन्हें 1 रुपया देता है। किसी कैजुअलिटी की होती है, किसी कोई हॉस्पिटल में, ऐसा कुछ बहुत सारा आपने देखा होगा। मैं समझता हूँ आप समझ रहेंगे मेरी बात। तो इनके पीछे की सच्चाई क्या है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फेसबुक का एक फीचर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं शो कर देता हूँ आपको, रिस्पांस क्राइसिस रिस्पांस करके एक फीचर है जहाँ पे आपको शो होता है कहीं कोई घटना घट गई, कोई कैजुअलिटी हो गई है, जैसे अर्थक्वेक हुआ, फ्लड एरिया हुआ, या फिर कहीं युद्ध के हालात हैं, ऐसा कुछ कोई घटना घट गई है, तो वहाँ पे आपको होता है कि उसे अगर शेयर करते हो, उस पोस्ट को अगर आप शेयर करते हो तो बहुत से लोग जानते हैं कि हाँ ये हो रहा है। और वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि अगर आप के अंदर एबिलिटी है कि आप उसे कुछ वहाँ दान कर सकते हो, आप वहाँ पे फूड पहुँचा सकते हो, आप मदद कोई पहुँचा सकते हो, आप पैसे डोनेट कर सकते हो, डोनेशन का ऑप्शन होता है वहाँ पे, तो आप करो और उसे शेयर करो जिससे कि किसी ऐसे इंसान के पास वो पोस्ट पहुंचे, जिससे कि अगर वो एबल है, वो अमीर है या फिर उसके पास कुछ फूड की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, तो वो वहां तक पहुंचा सके। तो ऐसा वो ऑप्शन वहां पे दिया होता है, वो फीचर होता है जहां पे अगर आप कुछ शेयर करते हो तो वहां पे कोई उसे डोनेट कर सकता है उस अर्थक्वेक एरिया में, फ्लड एरिया में। फेसबुक पैसा नहीं देता, आप पैसा देते हो। अगर आप एबल हो पैसा देने के लिए, आप एबल हो फूड पहुंचाने के लिए, आप एबल हो कोई मदद पहुंचाने के लिए, आप एबल हो कोई क्लोथ्स कपड़े पहुंचाने के लिए उस जगह पे जहाँ जहाँ पे कैजुअलिटी हुई है, तो वहाँ पे आप उस पोस्ट को शेयर करो और एक ऐसे इंसान के पास वो पोस्ट पहुंच जाए जो असल में एबल है। लेकिन फेसबुक पैसा नहीं देता। अब यहाँ पे जो बात कंक्लूजन आती है कि ऐसे पोस्ट क्या सही होते हैं, तो मैं कहता हूँ गलत होते हैं। ऐसे पोस्ट सरासर गलत होते हैं। ये सिर्फ अपने अकाउंट, अपने आईडी, अपने पेज को लोगों के अटेंशन पाने के लिए, लोगों का अटेंशन पाने के लिए बस यूज़ करते हैं, और कोई फ़ायदा नहीं होता। जिससे लोग शेयर करते हैं, रीच बढ़ती है, मेरा ये मानना, मैंने भी जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। वो गलत पोस्ट होते हैं, उनको शेयर मत करिए, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। और फेसबुक कोई पैसा नहीं देता, फेसबुक सिर्फ नोटिफिकेशन देता है आपको रिस्पांस क्राइसिस ऐप फीचर के जरिए कि यहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम हुई, अगर आप डोनेट करना चाहते हो कोई चीज़ तो आप डोनेट कर सकते हो, वरना फेसबुक पैसा नहीं देता। ये है पूरी बात। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड लाइक करो इस वीडियो को अगर पसंद आया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई। धूप बहुत है यार। तो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। थैंक यू गाइज फॉर 1000 सब्सक्राइबर, पहले से बोल दे रहा हूँ। Q&A भी आने वाला है एंड हैशटैग #ईशिवा करके पूछ लो। और चलो आज का वीडियो खत्म होता है, मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी करो, शेयर जरूर करना, जिससे कि बहुत से लोग कन्फ्यूजन में होते हैं इस तरह के घटिया पोस्ट को, घटिया क्या, क्योंकि वो इमोशनल टाइप के कुछ हो जाता है ना, कि आप किसी को देख रहे हो कोई बच्चे की फोटो डाल दिया, एंड ये गलत है, ऐसा मत किया करो। एंड शेयर करो इस वीडियो को जिससे और लोगों को भी पता चले। एंड चलता हूँ, निकले आप देख रहे थे बेस ब्लॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ शिवा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।